हेलो स्टूडेंट्स, आज सर्कुलर मोशन रिवाइज करेंगे थ्योरी अराउंड 15 मिनट्स में और उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स 24 सॉल्व प्रॉब्लम जेई मेन लेवल के अराउंड 45 मिनट्स में। तो थ्योरी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में ये याद रखना है, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते एंगुलर पोजिशन बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन। जस्ट लाइक दिस सिमिलर टू वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजिशन, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन। सिमिलरली अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट लाइक एक्सेलेरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिमिलर इक्वेशंस ही आए हैं जैसे पिछले केस में थे, या जब काइनेमेटिक्स पढ़े थे हम लोग वन डायमेंशनल तब आए थे, तो वहाँ भी जो फॉर्मुला यूज कर सकते हैं यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बी स्क्वायर को यूज कर प्लस टू एस और बी इक्वल टू प्लस एट यूज कर सकते हैं। यहाँ भी वही सब चीज़ें यूज किए थे, यहाँ भी वही सब चीज़ें यूज करेंगे। एस मतलब वहाँ पे होता था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था चेंज इन पोजीशन। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, जस्ट लाइक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। सिमिलरली फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये तीनों फॉर्मुला ऑफकोर्स तभी यूज कर सकते जब एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट नहीं है तो कैलकुलस वाला मेथड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एज एन वेन रिक्वायर्ड उसके हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे जो नई चीज हम लोग समझेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन निकालना है तो आपको आर क्रॉस वी करना होगा। तो आर कहाँ से नापना है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो सपोज ये सेंटर है, तो इस केस में आर वेक्टर इस तरफ है, वी वेक्टर इस तरफ है, तो आप देख सकते हो आर क्रॉस वी करेंगे, वी को यहाँ अगर रखें हम लोग तो आप देख सकते हो आर क्रॉस वी करेंगे तो किस तरफ आएगा डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आएगा। आर क्रॉस वी ऊपर की तरफ आपकी तरफ, है ना। तो इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है और आपकी तरफ आ रहा है इस केस में। तो जब कैंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपके तरफ आएगा नॉर्मल, क्लॉकवाइज घूमता तो अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो एक बार परपेंडिकुलर अपवर्ड हो सकता है या परपेंडिकुलर इनवर्ड हो सकता है। परपेंडिकुलर अपवर्ड कब आएगा, जब काउंटर क्लॉकवाइज है, और परपेंडिकुलर इनवर्ड कब आएगा, जब एंड क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ अल्फा पता करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन पता करना है, तो ओमेगा क्या लॉन्ग होगा अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही होगी, और वो ओमेगा के अपोजिट होगा अगर एंगुलर स्पीड घट रही होगी। जस्ट लाइक वन डायमेंशन केस में ऐसे करते थे, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी के अगर स्पीड बढ़ती थी, एक्सेलरेशन अपोजिट होता वेलोसिटी के अगर स्पीड घटती थी। यहाँ भी सेम चीज। अब एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू निकालना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जब से जब तक का एवरेज निकालना है उस दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू निकालना है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये तो क्या काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। अब जनरल कर्वी लीनियर मोशन या किसी कर्व्ड पाथ में कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है कैसे ही पास हो सकता है, ये मत सोचना कि सर्कुलर मोशन टॉपिक दिए तो सर्कुलर पाथ ही होना चाहिए, कैसे ही पास हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी कर्व्ड पाथ में, सपोज ये एक एग्जांपल है, इस पाथ में एक पार्टिकल चल रहा है ना, कैसा भी शेप हो सकता है, मैं एक शेप के लिए दिखा रहा हूं। तो जब पार्टिकल यहां पे है तो उसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट बनाओगे तो वही स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग चल रहा है। वैसे इस मोमेंट में पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, उस तरफ। वैसे इस मोमेंट में किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। इस मोमेंट में किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। इस मोमेंट में इस तरफ, एंड सो ऑन। तो पाथ दिया हुआ है, वेलोसिटी डायरेक्शन पता करना है तो टेंजेंट बनाओ। तो जब यहाँ पे है तो सपोज मैं टेंजेंट बनाया तो ऐसा है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान देना आपको, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ कुछ भी एंगल बना सकता है, वो अलग अलग केस में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो एक्सेलेरेशन का दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, एक वेलोसिटी के पैरेलल और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल आता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, एटी। वैसे एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है उसको हम लोग सेंट्रिपिटल, नॉर्मल, रेडियल, तीन नाम है इसके, वो एक्सेलेरेशन बताते हैं। ठीक है, अब जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है वो सिर्फ स्पीड चेंज कर सकता है। देखो वेलोसिटी के अलोंग है ना, तो स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इस केस में बढ़ा रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी के अलोंग है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, उसके अपोजिट आता है तो स्पीड को घटाता है। जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन होता है वो वेलोसिटी के, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो वो क्या कर सकता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन काम है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को चेंज करना, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन काम है वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करना। तो अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चल रहा है तो कंफर्म है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कर्व्ड पाथ है तो उसको डायरेक्शन चेंज करना होगा वेलोसिटी को, और डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी किसके कारण करता है, इसके कारण करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, एग्जांपल ले रहे हम लोग, आप एक बॉल को ऊपर फेंके हो, ठीक है, तो आपके हाथ से छूटने का वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। आपके हाथ से छूटने का एक्सेलेरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो क्या एक्सेलेरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, नहीं, ये एक्सेलेरेशन क्या है, पूरा का पूरा वेलोसिटी के पैरेलल है ना। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पाथ चेंज नहीं होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि इस केस में सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन जीरो है, वो जीरो है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है,
सिमिलरली और एक केस देख लेते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल का केस देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, आप इनिशियल वेलोसिटी जैसे पार्टिकल को ऐसा दिया, एक्सीलरेशन तो याद रखना प्रोजेक्टाइल में हमेशा जी डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। तो इस केस में एक्सीलरेशन का दो कॉम्पोनेंट है ना, एक वेलोसिटी के पैरेलल है और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, इसलिए पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इसी डायरेक्शन में नहीं चलता रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। देखो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। दूसरी बात, जब आपको पता है पार्टिकल इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक जाते हुए आपको पता है इसका स्पीड घटते जाता है, और यहां से यहां तक आते वक्त स्पीड बढ़ते जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं स्पीड क्यों घट रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो यानी इस पॉइंट पे स्पीड घट रहा है। यहां भी आप ड्रॉ करो तो वेलोसिटी आपको पता है टेंजेंट ऐसा होगा, एक्सीलरेशन ऐसा है, तो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट फिर से आप देखो, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का कंपोनेंट आएगा वो वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, तो स्पीड घट रही है। तो यहां से यहां जाते वक्त हमेशा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो स्पीड घटती जाएगी। यहां से यहां जाते वक्त वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऐसा है, एक्सीलरेशन तो जीरो ऑनवर्ड, तो जी का कंपोनेंट आप देखोगे तो जी का दो कंपोनेंट जो आएगा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो यहां पे आप देख सकते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अलोंग है, तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन है मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता, समझ में आई बात। तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन काम क्या, डायरेक्शन चेंज करना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन काम है मैग्नीट्यूड चेंज करना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ये चेंज करता है, वेलोसिटी डायरेक्शन को ये चेंज करता है। अब यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो एक्सीलरेशन कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए कॉस थीटा, वैसे सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन ए साइन थीटा, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड ये है। अब सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के तीन नाम है, सेंट्रिपिटल, नॉर्मल या रेडियल। इसका अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो ये स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आता है। अब आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं चल रहा है, सपोज यहाँ पे देखो, जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं चल रहा है, ये कोई भी रैंडम पाथ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे या अलग अलग स्मॉल स्मॉल सेगमेंट के लिए अगर आप सर्कल बनाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्टिकल कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप सर्कल बनाओगे तो रेडियस कम आ रहा है, यहाँ पे अगर आप सर्कल बनाओगे तो रेडियस ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे आप सर्कल बनाओगे तो रेडियस फिर से कुछ कम आ रहा है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस का वैल्यू आ रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन में आप कहीं भी, जैसे सर्कुलर मोशन का केस दिखाता हूँ मैं, सर्कुलर मोशन में सपोज ये सर्कुलर मोशन है, आप कहीं भी सर्कल बनाओगे तो यही सेम सर्कल आएगा, ठीक है। तो कैसा भी मोशन हो, कैसा ही पाथ कर लो, मोशन हो रहा है, आप पाथ को हमेशा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ सकते हो, सच दैट हर एक स्मॉल पार्ट किसी न किसी सर्कल का पार्ट हो। सर्कल केस में पूरा का पूरा सर्कल ही एक सर्कल का पार्ट होता है। अगर सर्कुलर पाथ नहीं है, कोई भी जनरल पाथ है, तो आप उसके किसी भी स्मॉल सेगमेंट को कहीं से भी ले लो, उसको आप हमेशा एक सर्कल का पार्ट मान सकते हो, ठीक है। तो जनरल केस में सर्कल का रेडियस चेंज होती रहेगा, मतलब रेडियस कर्वेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। सर्कुलर वाले पाथ के केस में रेडियस कर्वेचर कांस्टेंट रहेगा, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे हो, हमेशा रेडियस कर्वेचर सेम आएगा, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक और एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं, सपोज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, तब रेडियस कर्वेचर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि आप अगर इसका कोई भी स्मॉल पार्ट लो, वो किस सर्कल का पार्ट होगा, वो सर्कल बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो स्ट्रेट है, कर्व हो ही नहीं रहा है। जब कोई चीज कर्व होती है तब ना सर्कल का पार्ट हो सकती है, तो स्ट्रेट है, एक कर्व हो ही नहीं रहा है, तो यानी यहाँ पे रेडियस कर्वेचर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्सेप्ट किसी पाथ के लिए डिफाइंड है, ये मैं सोचना कि सर्कुलर पाथ के लिए डिफाइंड है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन किए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, याद रखना वी लिखा गया, वी स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है वी वेक्टर, यहाँ पे वी लिखा गया स्पीड है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब डायनेमिक्स में आते हैं, डायनेमिक्स मतलब कॉज वाले चीज, मतलब न्यूटन्स लॉ लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। हम न्यूटन्स लॉ में क्या देखे थे, एफ इक्वल टू एम ए लिखते थे, तो इसको आप एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम वाई, वैसे वैसे लिख सकते थे ना। जिस भी डायरेक्शन पे फोर्स का कंपोनेंट लेंगे उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का कंपोनेंट लेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ इक्वल टू एम ए उस डायरेक्शन के अलोंग लगा देते हैं। वैसे यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन केस में बेस्ट आपका यूसेज होगा अगर आप नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल लगाओ, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग लगा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो हम लोग एक सेंटर वाला डायरेक्शन के अलोंग लगा लेंगे। तो जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ये किसी चीज के लिए वैलिड है, वैसे सपोज मैं सर्कुलर पाथ के लिए दिखा रहा हूँ, तो पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा वो निकालो, उसको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। जस्ट लाइक एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स होता था, यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एफ सी इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एम ए सी। वैसे नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी सेम चीज करो, इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वहां पे एक्स और वाई के अलॉन्ग करते थे हम लोग, यहाँ पे एक टेंजेंट के अलॉन्ग और एक सेंटर के अलॉन्ग, फिर से परपेंडिकुलर है ना दोनों। तो ध्यान देना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमेशा वी स्क्वायर बार होता है, ये मैं सोचना सर्कल में चल रहा था वी स्क्वायर बार होता है, हमेशा वी स्क्वायर बार होता है, ठीक है। वैसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी डीवी बाय डीटी। तो लोगों को लगता है कि अगर फोर्स इस तरफ लग रहा तो पार्टिकल इस तरफ जा क्यों नहीं रहा है, फोर्स जिस तरफ लगता है पार्टिकल उस तरफ नहीं जाता, ये चीज ध्यान रखो आप। पार्टिकल जाता किस तरफ है, वेलोसिटी की तरफ जाता है, तो वेलोसिटी तो हमेशा इस तरफ है ना, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल है, पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। पार्टिकल हमेशा वेलोसिटी के अलोंग मूव करती है, फोर्स के अलोंग, एक्सीलरेशन के अलोंग, उनके अलोंग मूव नहीं करती है, ठीक है। जो पार्टिकल रेस्ट पे है
वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी, लेकिन वो खाली रेस्ट के लिए ट्रू है ना। पार्टिकल किस तरफ चलती है, जिस तरफ उसका वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो पार्टिकल नेवर मूव्स इन द सेंट्रीपेटल डायरेक्शन। सेंट्रीपेटल डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, कभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा सेंट्रीपेटल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही मूव करेगा। सेंट्रीपेटल डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे आप देखोगे सेंटर वाला डायरेक्शन ये है, उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। इस पॉइंट पे देखोगे सेंटर डायरेक्शन ये, उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा कंफ्यूजन जो इस चैप्टर में होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर को लोग फोर्स समझते हैं। नहीं, एमवी स्क्वायर बाय फोर्स नहीं है। जस्ट लाइक एम ए क्या होता था, फोर्स नहीं होता था। न्यूटन लॉ में ये दो चीज होते हैं ना, फोर्सेस वाले टर्म्स यहां में आते हैं, ठीक है, और मास इंटू एक्सेलरेशन यहां पे आता है। एम ए को फोर्स नहीं बोलते हम लोग। हाँ, इस ए भी न्यूटन में, ए भी न्यूटन है, बस सिमिलरिटी खत्म। एफ है फोर्सेस, पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनका वेक्टर सम है एफ, ठीक है। फोर्स कैसे पहचानते हैं, कॉस से पहचानते हैं। हर एक फोर्स को ना कोई लगाता है ना। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से बना हुआ पार्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। जस्ट लाइक यहाँ टेबल में एक सर्कल में घुमाया जा रहा है पार्टिकल को स्ट्रिंग के मदद से। तो पार्टिकल पे तीन ही फोर्स लग सकते हैं, कौन कौन, पहले पहचानो पार्टिकल कॉन्टैक्ट में कौन है। पार्टिकल कॉन्टैक्ट में रस्सी है और टेबल है, और कोई है नहीं। तो पहले तो ये दोनों फोर्स लगाएंगे, मतलब इनका फोर्स देख लेते हैं। तो रस्सी का फोर्स टेंशन टुवर्ड सेंटर, टेबल का फोर्स नॉर्मल परपेंडिकुलर टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों तो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन लगा सकते हैं टेबल नहीं, क्योंकि टेबल फ्रिक्शन लेस है। टेबल के अलावा, टेबल और रस्सी के अलावा कौन लगा सकते हैं इस पे, ये दोनों तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे। एमजी अर्थ लगा सकता है, एमजी को तो कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बॉल पे तीन फोर्स लग रहे हैं, टेंशन, नॉर्मल और एमजी, ठीक है। और तीनों का कॉज पहचान सकते हैं हम लोग। टेंशन कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग लगा रहा है। टेंशन बॉल में कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग लगा रहा है। नॉर्मल कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है। एमजी कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो जब तक आप कॉज नहीं बता सकते हो तब तक वो फोर्स नहीं कहलाएगा। तो हमेशा किसी भी चीज को फोर्स बोलना है तो कॉज पहचानना, ठीक है। एमवी स्क्वायर बार कौन लगाता है, कोई नहीं, वो तो रिजल्ट है ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो एमए जैसे फोर्स नहीं होता था, वैसे एमवी स्क्वायर बार भी फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर मत बोलना कि सेंटर की तरफ एमवी स्क्वायर बार लग रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। वो एमवी स्क्वायर बार अवे फ्रॉम सेंटर हम लोग लगाते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट है। वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे होंगे तब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए एमवी स्क्वायर बार इज नॉट ए फोर्स, ठीक है। अब अगर रेडियस कॉन्स्टेंट है और स्पीड भी कॉन्स्टेंट है तब पार्टिकल जो मोशन करता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर रेडियस कांस्टेंट है तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, और स्पीड कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। वैसे अगर रेडियस कांस्टेंट है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है तब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब उसका स्पीड वेरिएबल है। स्पीड ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, किसी कार का स्पीड कितना हो सकता है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ मतलब जो ग्राउंड के पैरेलल हो, ऐसा सर्कल जो ग्राउंड के पैरेलल हो, ठीक है। तो पहले बैंक रोड वाला एग्जांपल देखते हैं। बैंक रोड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल जिस सर्कल में चल रहा है, ये रोड उठा हुआ तो है लेकिन सर्कल तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, ठीक है। इस सर्कल में चल रहा है पार्टिकल, वैसे अगर रोड की तरफ से उठा हुआ है, पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, इसको हम बैंक के अंदर बोलते हैं। तो अगर आर रेडियस का सर्कल में एक पार्टिकल चल रहा है बैंक रोड में, तो उसका स्पीड का जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के बीच में हो सकती है। इसको मिनिमम स्पीड बोलते हैं, इसको मैक्सिमम स्पीड बोलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इंटू जी ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाई वन प्लस म्यू टेन थीटा, ये मिनिमम स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड प्लस ऊपर आ जाएगा माइनस नीचे, बाकी सब चीज सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर स्पीड यहां से यहाँ के बीच में है तब पार्टिकल जो है इस सर्कल में चल सकता है, आर रेडियस के सर्कल में, यहाँ पे आर आ रहा है स्पीड में, ठीक है। अगर स्पीड इससे ज्यादा कर देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा कर देंगे, सपोज मिनिमम वैल्यू 10 आया, मैक्सिमम 15 आया, आर रेडियस का वैल्यू सपोज 20 मीटर है, तो 20 मीटर का सर्कल में चलने के लिए मिनिमम स्पीड है 10, मैक्सिमम स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर पार्टिकल 20 मीटर के सर्कल में चल रहा है लेकिन 15 से ज्यादा स्पीड करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड हो गया तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, फिर वो किसी बड़े सर्कल में चलने लगेगा। रफ सरफेस है तब भी फ्रिक्शन जीरो लग सकता है, कब, अगर पार्टिकल का स्पीड आर जी टैन थीटा हो, यहीं से आ जाएगा। अगर सपोज इस सर्कल में चल रहा है और म्यू का वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर दो, सपोज तो म्यू का वैल्यू जीरो पुट करो तो आप देखोगे ये भी आर जी टैन थीटा हो जाएगा, ये भी आर जी टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर फ्रिक्शन लेस सर्फेस होता तब रूट ओवर आर जी टैन थीटा चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब है कि अगर रफ सर्फेस भी है तब भी रूट ओवर आर जी टैन थीटा चल रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अगर स्पीड की वैल्यू रूट ओवर आर जी टैन थीटा है तो फ्रिक्शन कार पे नहीं लग रहा होगा, ठीक है। स्पीड की वैल्यू इससे कम रहेगा तो ये मतलब समझ लेना, इस स्पीड से चलेगा कार तो फ्रिक्शन में जरूरत ही नहीं है। अगर कार इससे स्पीड कम किया तो आपको पता है स्पीड कम करेगा तो कार का नीचे आने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। और अगर स्पीड से ज्यादा किया तब कार का ऊपर स्लिप होने का टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है। टेंडेंसी है, याद रखना, फ्रिक्शन होगा एक्चुअली में तब वो टेंडेंसी फुलफिल नहीं होगा, और यहां से यहाँ एक रेंज ऑफ स्पीड मिल जा रहा है, इस स्पीड से स्पीड के बीच में पार्टिकल चल सकता है, इस सर्कल में कार चल सकता है विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड इससे भी कम कर दे तब कार पक्का नीचे स्लाइड होगा, अगर स्पीड इससे भी ज्यादा कर दे तब पक्का कार ऊपर स्लाइड होगा, ठीक है। अनबैंक रोड मतलब फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, इसको हम अनबैंक रोड बोलते हैं। रोड उठा हुआ नहीं, यहाँ पे रोड उठा हुआ था ना, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे था, यहाँ पे फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, उसको अनबैंक रोड बोलते हैं। तो अगर इस रोड में चल रहा है और इस रोड में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो पार्टिकल का स्पीड जो है म्यू आर जी, जहाँ पे आर है रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें कार चल रहा है, उसके बराबर हो सकता है स्पीड या उससे कम हो सकता है। इससे ज्यादा स्पीड होगा तो सर्कल का रेडियस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आर रेडियस का सर्कल में चलने के लिए स्पीड इतना है ना, जैसे आप देख सकते हो यहीं से आर का वैल्यू अगर बढ़ाते हो तो स्पीड का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा।
नेक्स्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, जो ऐसा चल रहा है कोई पार्टिकल उसको वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इस प्लेन पे चल रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई प्लेन है उसमें कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में हम लोग को जो दो रिजल्ट याद रखना है, एक अगर पार्टिकल एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए पार्टिकल की ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए रूट ओवर 5gl. ठीक है, और वही केस में अगर रॉड है स्ट्रिंग के बदले एक मासलेस रॉड है तब मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतनी चाहिए, मतलब अगर स्पीड इतना के बराबर है तब सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, स्पीड से कम हो तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, उससे पहले ही घूम के आ जाएगा वापस. ठीक है, और इस केस में स्ट्रिंग वाले केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन स्ट्रिंग स्लैक नहीं होता है क्योंकि एक मोमेंट के लिए टेंशन जीरो होता है, और स्पीड होता है पार्टिकल क्या होता है रूट ओवर जीएल. और इस वाले केस में रॉड मासलेस रॉड वाले केस में जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड इतना है उस समय हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है जीरो नहीं होता है, और लेकिन स्पीड क्या होता है जीरो होता है. ठीक है, ये सब रिजल्ट याद रखना है. 25 मिनट्स में 24 जेई मेन लेवल क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ आपको भले कहीं स्पीड फास्ट लग रही हो तब भी आप आराम से देखना वीडियो के अंत तक जाना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, और कहीं स्पीड फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लो, स्लो लगी तो फास्ट कर लो, यूट्यूब में सब ऑप्शन होते हैं ना, आप ऑलरेडी कर सकते हो, लेकिन वीडियो के अंत तक जाना, ये नहीं कि किसी क्वेश्चन को स्किप करो, हर एक क्वेश्चन देखना वीडियो के अंत तक जाना, सिर्फ 45 मिनट्स की बात है, पूरा सब क्वेश्चन कवर हो. पार्टिकल पी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, such that distance traveled by it time पे डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन से, तो आपको डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, पार्टिकल का रेडियस दे दिया है, तो आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है टी इक्वल टू सेकंड में, तो आपको अगर डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ तो स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड कितना आ जाएगा 3t2. आपको टी इक्वल टू 2 सेकंड में चीजों को पता करना है, तो टी इक्वल टू सेकंड में स्पीड का वैल्यू पहले निकालते हैं, तो स्पीड का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2² यानी 12. ये तो ये स्पीड की वैल्यू. ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, एक्सेलेरेशन पूछा गया है. आपको पता है कि एक्सेलेरेशन का दो पार्ट है, एक सेंट्रिपिटल और एक टेंजेंशियल. कुछ नहीं बोला गया, मतलब नेट एक्सेलेरेशन टोटल पूछा गया है. ठीक है, तो दोनों तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, है ना. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, v² / r, v की वैल्यू पता है आपको 12 और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 20. ये तो हो गया सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से, स्पीड का इक्वेशन आया था 3t², तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 60. तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आपको पता है 60. ठीक है, तो t इक्वल 2 सेकंड पे स्पीड इतना था, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40. बॉल ऑफ मास पॉइंट के लिए अटैच टू द लेंथ ऑफ टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर. ठीक, बॉल अटैच है स्ट्रिंग से, बॉल को एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा है. मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 320. स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन इतना हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं बॉल का, बॉल के ऊपर सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन और mg. सेंटर की तरफ अगर फोर्सेस देखें तो बॉल के ऊपर सेंटर की तरफ अगर ये एंगल थीटा है तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स आएगा t cos θ. ठीक है, तो और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस आप ड्रॉ कर सकते हो करना है तो, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, देखेंगे हम लोग कैसे. तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, अगर ये फॉर्मूला लिखे है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है t cos θ, मास सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन कितना होता था v² / r. ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान दो रेडियस ऑफ सर्कल ये है तो रेडियस का वैल्यू कितना है l cos θ, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे l cos θ, तो t cos θ mv² / l cos θ. ठीक है, अब आपसे v का वैल्यू मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पूछा है, लेकिन आपके पास स्पीड है, आपको पता है स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन होता है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है ω/r, ये होता है ना, या आपको ये भी पता है, चलो स्पीड का वैल्यू यहाँ पे लिख लिए पहले तो लिख लेते हैं बाय रेडियस, तो ये हो जाएगा m ω² r. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, जो सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन आप बोलते हो v² / r है उसको आप ω² r भी बोल सकते हो, ये जनरल रिजल्ट है. ठीक है, तो अब रेडियस का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, इसको जरूरत नहीं था, रेडियस का वैल्यू अगर आप पुट करो रेडियस कितना आया था l cos θ, उसको यहाँ लिख दिए और यहाँ पे t cos θ, तो आप देख सकते हो cos θ कैंसिल हो गया, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आप देखो t / mLr है. ठीक है, तो यहीं से आपको दिख रहा है कि ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू के लिए टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू यूज करना होगा, क्योंकि आप मास ऑफ द पार्टिकल लेंथ ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रस्सी का टेंशन को तो चेंज कर ही सकते हो ना, जैसे कस के घुमाओ तो टेंशन ज्यादा होगा. टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 324, उसको यहाँ पुट करो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल था 0.5 kg और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ था 0.5, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5. 324 का स्क्वायर 18, अरे 0.5 मतलब 36 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड में होता है, तो 36 इसका आंसर है. एक हेवी और स्मॉल स्फीयर है
जो कि एक स्ट्रिंग की मदद से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, और जो स्ट्रिंग जो है वर्टिकल का कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, या तक स्मॉल स्फीयर बोला है तो पॉइंट मास मान सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल घूम रहा है और ये एंगल कितना है, थीटा है। आपसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड याद रखना 2π/ω होता है। अब ओमेगा हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर अगर फोर्सेस देखोगे आप, इस स्फीयर पे से दो ही फोर्स लग सकता है, टेंशन और mg। अगर फोर्सेस को तोड़े हम लोग तो सेंटर की तरफ क्या फोर्स आएगा, टी साइन थीटा, यहाँ टी कॉस थीटा और यहाँ mg, यही तीन फोर्सेस होंगे ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, तो टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो सेंट्रिपेटल डायरेक्शन है ना, सर्कल का सेंटर याद रखना, ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना लग रहा है, टी साइन थीटा। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो या ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, हम लोग को ओमेगा चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आप रेडियस की बात करें, सर्कल का रेडियस यहाँ पे क्या है, सर्कल का रेडियस आप देख सकते हो एल साइन थीटा, एल साइन थीटा करेंगे तब तो रेडियस मिलेगा, तो सर्कल का जो रेडियस है वो एल साइन थीटा है। यहाँ पे जो कॉट थीटा था एक्चुअली में क्या था, कॉस बाय साइन थीटा, तो आप देख सकते हो साइन थीटा कैंसिल हो गया है, तो ओमेगा का वैल्यू जी बाय एल कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर उसको यहाँ पुट करें तो एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा बाय जी, तो 2π/L cos θ। पॉइंट केप्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स सेंटर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा विल नॉट स्लिप इफ, विल नॉट स्लिप ऑन इट इफ। तो एक कॉइन है जो कि ग्रामोफोन में रखा गया है, ग्रामोफोन घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, ठीक है। तो सपोज हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, कॉइन एक सर्कल में घूम रहा होगा ऐसे, साइड से देखेंगे तब भी सर्कल दिखेगा लेकिन फिर ऐसा दिखेगा सर्कल, ठीक है। एक्चुअली कुछ ऐसा सेटअप होगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, तो एक कॉइन है, या देखना कॉइन स्लिप नहीं कर रहा है, कॉइन स्लिप नहीं कर रहा है मतलब कॉइन भी कितने से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, क्योंकि ग्रामोफोन ओमेगा से घूम रहा है, तो उसके ऊपर जो चीज़ स्लिप नहीं कर रही तो वो भी ओमेगा से घूम रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना था, आर था, तो ये स्लिप कब नहीं करेगा, यही पूछा गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस कॉइन का फ्री वे डायग्राम बनाए तो याद रखना एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल ग्रामोफोन है, तो ऐसा सेटअप है, तो उसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये कॉइन इस सर्कल में घूम रहा है, ये कॉइन है। अब इस कॉइन के ऊपर फोर्सेस देखोगे तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टेबल एम जी इस तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो आपको पता है नॉर्मल एम जी को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। कॉइन पे इन दोनों के अलावा एक ही फोर्स लग सकता है, तीसरा कौन बचा है, फ्रिक्शन बचा है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है, ऑप्शन में कोई नन ऑफ दिस नाम का चीज़ नहीं, मतलब हम लोग मान लेंगे ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो पार्टिकल के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स हो नहीं सकता, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स हुआ तो पार्टिकल एक्सेलेरेट करेगा, और पार्टिकल मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ जाएगा, टेंजेंशियल आया तो पार्टिकल का स्पीड चेंज हो जाएगा, तो पार्टिकल पे इस डायरेक्शन के अलावा कोई फोर्स नहीं रह सकता। जितना ही फोर्स बचा हुआ होगा वो किस तरफ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, तो हमें पता चल गया फ्रिक्शन किस तरफ लगना चाहिए, सेंटर की तरफ। समझ में आ रही ना, याद रखना पार्टिकल से तीन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, नॉर्मल और mg। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब टेंजेंशियल जीरो है, टेंजेंशियल जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन क्या है, सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ही है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी नेट फोर्स सेंटर की तरफ ही होना है, आपको पता है कि नॉर्मल और mg तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यानी फ्रिक्शन है मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, यानी फ्रिक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इनटू मास के बराबर होगा, रेडियस के लिए सॉरी स्मॉल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये इक्वेशन है, आपको पता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू एफ मैक्स होता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे कितना है, एम जी। समझ में आ रहा है मुझे कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही समझा जाता है इस चीज को, आप फ्रिक्शन सेंटर की तरफ क्यों ले रहे हो उसके लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। तो यहाँ से एन का वैल्यू आपको पता है, एम जी पुट करना है आपको, तो यहाँ से आप देखोगे तो ओमेगा इज लेस देन, सॉरी आर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है ऑप्शन में, तो आर के लिए एक्सप्रेशन यहाँ से अगर निकालेंगे तो म्यू एम जी में एम कैंसिल हो जाएगा, तो आर के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ से आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। तो अगर रेडियस का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर है तब पार्टिकल इस सर्कल में या कॉइन जो है विदाउट स्लिपिंग चल सकता है, रेडियस लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आप डायरेक्टली शॉर्ट में भी कर सकते थे, ये आपको पता है किस किस के सिमिलर है, कार जो है जो कि हॉरिजॉन्टल रफ रोड में चल रहा है,
तो आपको वहां से पता होगा कार के लिए स्पीड का वैल्यू क्या था, स्पीड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी आता था, याद है ना। और स्पीड क्या हो सकता है, ओमेगा बाय ओमेगा इंटू आर को स्पीड बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर आपको आर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है तो एक रूट आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा इंटू रूट आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी, तो ओमेगा को इस तरह भेजो, ये आ गया। तो इसका मतलब है आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर एक बार में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव में अ बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज बीइंग रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बॉटम मोस्ट पॉइंट इज जस्ट अबव ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है मान लो, और एक पार्टिकल जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया जा रहा है पार्टिकल को, ठीक है, एट मिनिमम स्पीड, और मिनिमम स्पीड के घुमाया जा रहा है, मिनिमम स्पीड घुमाया जा रहा है मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, याद रखना स्ट्रिंग है तो स्पीड कितना होगा रूट ओवर फाइव जी है, ठीक है। जब भी बोलते मिनिमम स्पीड से घुमाया जा रहा है मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट ओवर फाइव जी, क्योंकि स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो रेंज क्या होगा, तो ये स्ट्रिंग जो है ब्रेक हो गया जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे था, आपको याद होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड रूट ओवर फाइव जी है, तो यहाँ पे स्पीड कितना होता था रूट ओवर जी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस से निकाल लो, इतना स्पीड आ जाएगा, थ्योरी में बताया था स्पीड इतना है तो उसका रेंज क्या होगा, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे यहाँ पे आएगा, रेंज तो इसी को बोलते हैं ना, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इस पॉइंट का नाम ए रखो, इस पॉइंट का नाम बी रखो, ए से बी तक का मोशन अगर देखो, तो ए से बी तक का मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वर्टिकल के अलॉन्ग नहीं है, और जब भी आपको पता है कि अगर वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो टाइम टेकन टू फॉल थ्रू एच हाइट कितना होता है रूट ओवर टू एच बाय जी, एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है पार्टिकल को रूट ओवर टू एच बाय जी, अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल वेलोसिटी है कि इनिशियली नहीं, पूरा पूरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है, तो इतना टाइम लगेगा। अब ए से बी तक का मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है रूट ओवर जी, याद रखना ये कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन याद रखना यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जा रहा है, सर्कुलर मोशन तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था, उसके यहाँ स्ट्रिंग टूट गया है, स्ट्रिंग टूट गया है तो पार्टिकल अब पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ में क्या होता है, खाली एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा इनटू टाइम टेकन, यही रेंज होगा, रेंज इसी के बराबर होना चाहिए। अब हाइट कितना, हाइट के थ्रू गिरा है पार्टिकल, एल प्लस एल टू एल के बराबर गिरा है ना, तो हाइट का वैल्यू टू एल पुट करेंगे तो ये फोर एल है जी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ गया ये जी जी कैंसिल टू एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट ए पॉइंट आर कॉमा थीटा ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, थीटा इज एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, सर्कल बना देते हैं, पार्टिकल कोई जनरल पोजिशन दिया हुआ आर कॉमा थीटा, तो ये आर है ये थीटा, थीटा बोल दिया गया एक्स एक्सिस से मेजर किया गया, ठीक है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन का वैल्यू बताना है, तो पहले यहाँ पे पहचान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब ओमेगा क्या है कांस्टेंट है या स्पीड क्या है कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ हुआ क्या नहीं, तो अगर क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब क्या, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा नहीं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है ना, और उसका वैल्यू कितना होता है वी स्क्वायर बाय आर टुवर्ड्स सेंटर, ये होता है ना, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है वी स्क्वायर बाय सेंटर की तरफ, लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं, आंसर आई और जे के फॉर्म में, जिसको आई और जे में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका दो कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय कॉस थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया लेफ्ट की तरफ आया है, तो आप इसको बोलोगे किस तरफ है ये, माइनस आई कैप की तरफ, और ये माइनस जे कैप की तरफ, तो आपके आंसर में बी स्क्वायर बायर कॉस थीटा माइनस आई कैप, बी स्क्वायर बायर साइन थीटा माइनस जे कैप, दोनों माइनस में होने चाहिए, दोनों माइनस में। टू कार्स ऑफ मासेस m1 m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, m1 मास का कार r1 रेडियस में चल रहा है, m2 मास का कार r2 रेडियस वाले सर्कल में चल रहा है, देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम लग रहा है दोनों को एक एक सर्कल कंप्लीट करने में, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज, अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है, सेंट्रिपिटल क्या होता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय r, सेंट्रिपिटल स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय r, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम, दोनों को सर्कल कंप्लीट करने में सेम टाइम लग रहा है, ठीक है। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्कल क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा, ये होता है ना, या टू पाई आर बाय वी, ये होता है ना, ठीक है। अगर ये टाइम सेम है, यानी आर बाय वी का वैल्यू भी क्या है सेम है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया सेम है, आर अलग अलग हो सकता है पार्टिकल, वी अलग अलग हो सकता है, लेकिन आर बाय वी सेम आना पड़ेगा, टू पाई तो कॉन्स्टेंट है ना, यानी टी सेम है मतलब आर बाय वी भी सेम है, तो यहाँ पे इसको हम लोग वी वन बाय वी टू, वी वन बाय आर वन डिवाइड बाय वी टू बाय आर टू ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आर बाय वी क्या है, दोनों का सेम है, यानी ये चीज़ वन के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। अब स्पीड का रेशियो कैसे निकाले, कुछ दिया है क्या नहीं, उसके लिए वापस यहाँ पे आते हैं, स्पीड का रेशियो निकालना है
तो यहाँ से आप देख सकते हो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई आर बाय टी, 2 पाई आर बाय टी, 2 पाई आर बाय टी। टाइम देखें दोनों का सेम था इसलिए डी वन टी टू यूज़ नहीं किया, 2 पाई कैंसिल, तो हो जाएगा आर वन बाय आर टू। ठीक है, ओमेगा से करते स्टार्ट करते तो जल्दी रहता हूँ। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई 3.5 मीटर एंड देयर वेलोसिटीज आर एज शोन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ए का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी बोल दिया मतलब बी को पहले रेस्ट मिला, तो बी का वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड किस तरफ है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ऑफकोर्स कुछ नहीं बोला गया मतलब ग्राउंड फ्रेम से बोला गया है। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू बी देखें हम लोग तो चीजें कैसे दिखेंगी, तो बी का वेलोसिटी जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, 5 उल्टा ऐड करोगे ना, तभी ना जीरो होगा। तो बी को रेस्ट में लाने के लिए आपको 5 उल्टा ऐड करना होगा, लेकिन अगर इसमें 5 उल्टा ऐड किया तो इसमें भी करना होगा ना। ठीक है, ये अगर अलग दिखेगा तो ये भी अलग दिखेगा, तो इसमें 5 ऐड किया, अगर इसमें 5 ऐड कर दिए तो देखो क्या होने वाला है, तो इसका 5 और 10, इसको अगर कॉम्पोनेंट मिले हम लोग, ठीक है, याद रखना 5 उल्टा ऐड कर दिए तो बी रेस्ट पे आ गया, लेकिन अब ए कैसा दिखेगा, बी से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 2 कॉम्पोनेंट आएगा, इस 10 को अगर कॉम्पोनेंट में तोड़े तो एक तो 10 cos 30 और यहाँ पे 10 sin 30, इस 10 को कॉम्पोनेंट में तोड़ दिया, कॉम्पोनेंट में तोड़ा भी समझ में आएगा थोड़ी देर में, ये 5 है, याद रखना अगर ये एंगल 37 है तो यहाँ पे ये एंगल भी 37 होगा, तो ये 5 cos 37 इस तरफ और 5 sin 37 नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी को अगर रेस्ट पे, अगर बी ए को देखेगा तो बी को ए जहाँ पे इन चारों वेक्टर्स का रिजल्ट आएगा उस तरफ जाते हुए दिखेगा, या जैसे लाइक यहाँ पे सिर्फ 2 वेक्टर्स है तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा उस तरफ जाते हुए दिखेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी परपेंडिकुलर बाय आर, ये होता है ना। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का सेपरेशन ये है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, बी तो रेस्ट पे है, ए का वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा है, यही तो है, ये तो पैरेलल डायरेक्शन में होगी, ये रेडियस के अलोंग है, इसको नहीं देखेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करेंगे तो वी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5 sin 37 प्लस 10 sin 30 डिवाइड बाय रेडियस कितना है यहाँ पे, 3.5। समझ में, ये फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, वी परपेंडिकुलर देखते वक्त जिसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालना है उसको रेस्ट में मानना होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे नहीं आते ऐसे वाले, तब भी हम लोग एक देख ले रहे हैं। साइन 37 कितना होता है, 3/5, साइन 30 होता है हाफ, ये 3/3.5, तो ये 3 + 5 8/3.5 ये अराउंड 2.57 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में, बाकी सब मीटर वगैरह में थे। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 9 में, द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज डिक्रीज बाय 50% व्हाइल इट्स रेडियस एंड स्पीड आर बोथ इंक्रीज बाय 50%। तो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग इट इन ए सर्कुलर पाथ इज, ठीक है, तो पहले सेंट्रीपेटल फोर्स हम लोग यही क्वेश्चन 2 बार लगाएंगे। फर्स्ट केस में सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये केस 1 में। सेकेंड केस में सपोज सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू एफ सी डैश इज इक्वल टू मास, अब सेकेंड केस में मास क्या हो गया है, मास जो है डिक्रीज हो गया बाय 50%, यानी है मास का वैल्यू अब इतना है। ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, तो फर्स्ट केस में यही था। सेकेंड केस में स्पीड क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज हो गया बाय 50%, तो स्पीड का वैल्यू 1.5 भी लिखेंगे, और रेडियस भी इंक्रीज हो गया बाय 50%, तो रेडियस का वैल्यू भी 1.5 और, अगर आप इनका रेशियो लो तो एम 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 वी स्क्वायर बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये 0.5 और यहाँ पे 1.5 जो कि हो जाएगा 0.75। तो आप देख सकते हो न्यू सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो 75% ऑफ ओल्ड या ओरिजिनल सेंट्रीपेटल फोर्स है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था ना कि न्यू सेंट्रीपेटल फोर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ओल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, तो कितना परसेंटेज आया, 75%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, अ स्टोन ऑफ मास एम इज बीइंग रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ लेंथ एल ऑफ रेडियस एल विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इज 4 देन स्पीड ऑफ स्टोन एट द लोएस्ट पॉइंट इज। अब मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन की बात हुई है, ठीक है, ध्यान देना कि मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होता है और मिनिमम टेंशन जब हाईएस्ट पॉइंट पर स्टोन तब होता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम टेंशन होता है। अब अगर मैक्सिमम टेंशन आप निकालो तो यहाँ पे मास एम है, सपोज ऐसा चल रहा है सर्कल में, स्पीड इस तरफ है, अर्थ के कारण एम जी इस तरफ रहेगा, तो अगर आप नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर देखो, याद रखना सेंटर ये,
सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स है, टी मैक्स और एम जी। ये तो टी मैक्स सेंटर की तरफ है, एम जी सेंटर से अवे है, ठीक है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है, टी मैक्स तो पॉजिटिव में है, ये सेंटर की तरफ है लेकिन एम जी सेंटर से अवे है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा इतना, इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यू कैन नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ पे आर के वैल्यू एल है। सिमिलरली यहाँ पे अगर जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तब अगर लिखे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों फोर्स सेंटर की तरफ ही है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू मास, सपोज यहाँ पे स्पीड है इसका u, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आया, ये एक इक्वेशन आया, है ना। अब हम लोग को बोला गया था टी मैक्स और टी मिनिमम का रेशियो कितना है, 4 है। तो यहां से अगर हम लोग टी मैक्स निकाले तो यहां से टी मैक्स कितना आ जाएगा, टी मैक्स आप देख सकते हो इसको उस तरफ भेज दो, टी मैक्स कितना आ जाएगा, और टी मिनिमम निकालना है तो इसको उस तरफ भेजो तो माइनस साइन आ जाएगा। टी मिनिमम इतना है, टी मैक्सिमम इतना है, इनका रेशियो टी मैक्स बाई टी मिनिमम, टी मैक्स है एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय, टी मिनिमम है एम जी माइनस सॉरी माइनस एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय। तो आप देख सकते हो एम कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस जी एल, यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस जी एल, ठीक है। और टी मैक्स बाई टी मिनिमम का वैल्यू किस क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द लोएस्ट पोजिशन, ठीक है। लोएस्ट पोजिशन की स्पीड मतलब वी का वैल्यू पूछा गया है, याद रखना आपको यू का वैल्यू भी नहीं पता, इस इक्वेशन में वी भी आया यू भी आया, लेकिन आपको ये तो पता है ना यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड में क्या रिलेशन रहेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट में कितना चेंज आया होगा, पार्टिकल पहले सेंटर सेल नीचे है और यहाँ पे सेंटर सेल ऊपर है, तो इन दोनों पोजीशंस के बीच में हाइट कितना फर्क होगा, 12 का। और स्पीड कहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम, आपको पता है बॉटम ऑफ पॉइंट पे स्पीड ज्यादा रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कम रहता है। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड क्या होना चाहिए, बॉटम ऑफ पॉइंट का स्पीड माइनस 2gh, 2gh h का कितना है 12, ठीक है। यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4gl आ जाएगा, तो यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा है ना, यहाँ और यहाँ के पोजीशन के बीच मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको डायरेक्टली आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs से भी ला सकते हो। तो हाईएस्ट पॉइंट के स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट के स्पीड का स्क्वायर माइनस, लोएस्ट पॉइंट स्पीड ज्यादा होगा ना हाईएस्ट पॉइंट से, तो लोएस्ट पॉइंट का स्पीड ज्यादा होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड मिल जाएगा। इन दोनों में हाइट में कितना फर्क है, 2l का फर्क है, तो यू स्क्वायर बदले वी स्क्वायर माइनस 4gl पुट कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर को तो वी स्क्वायर रहने दो, यू स्क्वायर बदली वी स्क्वायर माइनस 4gl, माइनस 4gl पुट करेंगे पहले से एक माइनस जी एल है तो माइनस 5gl हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अब चेक कर लेना, वी का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 7gl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ट्रैवल्स वन क्वाड्रेंट इन 2 सेकंड एंड द नेक्स्ट टू क्वाड्रेंट्स इन 3 सेकंड्स। तो एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करो, कोई भी क्वाड्रेंट ले सकते हो आप, सपोज यहाँ से यहाँ मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, ये चला है कितने देर में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 सेकंड में चला है, सपोज यहाँ से यहाँ गया, कोई भी वन मतलब 90 डिग्री वाला पाथ ले सकते हो, मैं ये लिया हूँ। और नेक्स्ट टू क्वाड्रेंट, नेक्स्ट टू क्वाड्रेंट मतलब ये एज वेल एज ये, यहाँ से यहाँ चलने में उसको कितना टाइम लगा है, 3 सेकंड्स, ठीक है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा इस पूरे मोशन के लिए, एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो इस पूरे मोशन के लिए बोला, तो इस पूरे मोशन के लिए आप देखो कितना एंगल कवर किया, 3π/2। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कितना एंगल कवर किया है, 3π/2, और कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड 5 सेकंड्स, तो ये 3π/10, 3π/10 मतलब 0.3। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्टिकल को टॉप ऑफ द टावर से फेंका गया विद स्पीड u, अगर किसी भी इंस्टेंट पे उसका स्पीड v है तो उस इंस्टेंट पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो एक टावर है उसके टॉप से पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया, आपको पता है पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पैराबोला में चलेगा, इसी मोमेंट में उसका स्पीड v है, तो आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल वो बताना है ना। तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये 90, अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन देखोगे तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, याद रखना फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन जी डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वी स्क्वायर बार होता है, मतलब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। यहाँ से आप देख सकते हो एक्सेलेरेशन का दो कॉम्पोनेंट जो आएगा, एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर से, सेंटर की तरफ कितना कॉम्पोनेंट आएगा, जी साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी के पैरेलल तो जी कॉस थीटा आएगा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जी साइन थीटा आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा को हटाना होगा क्योंकि अलग अलग मोमेंट में थीटा तो चेंज होते रहेगा ना, पार्टिकल यहाँ पे तो थीटा अलग है कहीं और अलग है, तो साइन थीटा को हटाना होगा, तब पता चल जाएगा बी के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है। अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट तो कांस्टेंट था, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी है, एंगल थीटा है, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा,
एक वी साइन थीटा और एक वी कॉस थीटा, ये दोनों आएंगे ना, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट साइन थीटा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट कॉस थीटा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है तो यू के बराबर रहेगा, जो एक बार इनिशियल मोमेंट में था वही हॉरिजॉन्टल हमेशा रहेगा। तो यू इक्वल टू वी साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू आप यू बाई वी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यू बाय वी पुट करें तो ये हो जाएगा वी क्यूब बाय जी यू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, वी स्क्वायर बाय जी यू, सॉरी वी क्यूब बाय जी यू। अब यू तो कॉन्स्टेंट है, स्पीड तो जब एक बार पार्टिकल को फेंक चुके हो तो फिर तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट चेंज होने वाला है, ये कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है, तो खाली ये दोनों अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या बोल सकते हो, रेडियस प्रोपोर्शनल है वी क्यूब के, तो रेडियस प्रोपोर्शनल है वी क्यूब के। क्वेश्चन नंबर 13 में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल स्पीड यू एट एन एंगल थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड यू से फेंका गया था, एंगल था थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट सर्वाइव करता है ना, तो यू कॉस थीटा ही रहेगा हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो यही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। तो आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्पीड के स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, स्पीड के स्क्वायर कितना है, क्योंकि आपको हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड लिखना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लिखना होगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। क्वेश्चन नंबर 14, अ कार मूव्स ऑन द शोन पाथ, इस पाथ पे कार चल रहा है, नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार, जब कार पॉइंट ए पे है तब नॉर्मल फोर्स पे एन लग रहा है, जब कार पॉइंट बी पे है तब नॉर्मल फोर्स पे एन बी लग रहा है, तो एन एंड बी के बीच में कौन बड़ा कौन छोटा वो बताना है। आपको बोल दिया गया है कार मूव्स ऑन दिस पाथ, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो कार पे नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, फ्रिक्शन लग रहा है कि हमें पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, लेकिन जो भी हो ये टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सर्कल कुछ ऐसा आने वाला है, वैसे यहाँ पे सर्कल कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है, तो सेंटर के अलॉन्ग तो सिर्फ दो ही फोर्स है, फ्रिक्शन रहेगा तो ऐसा रहेगा ना, सेंटर के अलॉन्ग से दो ही फोर्सेस है नॉर्मल और एम जी। यहाँ पे सर्कल का सेंटर किस तरफ है, नीचे है ना, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, एम जी, क्या एम जी है ना, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम जी माइनस एन ए, एन ए क्या सेंटर के अवे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, सर्कल बनाए हो आप, एम जी सेंटर की तरफ है और एन ए सेंटर से अवे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा एम जी माइनस एन ए, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड को अगर मैं वी ए बोलूँ तो सेंट्रीपेटल कितना हो जाएगा ये, ठीक है। सेम चीज अगर बी पे करें तो बी पे हो जाएगा वापस वही सब चीजें आएगी, एम जी आएगी एन बी आएगा, तो जहां जहां ए लिखा हो यहाँ पे वहां वहां बी कर दो, ठीक है। आपको एन ए और एम बी को कंपेयर करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर एन ए का वैल्यू निकालो आप तो एन ए का वैल्यू आ जाएगा एम जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर, और सेकेंड इक्वेशन से एम बी का वैल्यू आ जाएगा एम जी माइनस, तो अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो रेशियो ले लो, तो आप देख सकते हो जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर ए जी माइनस वी वी स्क्वायर बाय आर बी, ठीक है। आपको बात देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पे सर्कल छोटा बनने वाला है, यहाँ पे सर्कल बड़ा बनने वाला है, तो आपको ये रिलेशन में ये तो पता चल गया कि आर ए स्मॉल देन आर बी, ये पता है, लेकिन स्पीड के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं, आपको क्वेश्चन में बताया नहीं है कि इसका स्पीड कॉन्स्टेंट है कि नहीं, या यहाँ और यहाँ पे स्पीड में कौन ज्यादा कौन कम है, तो आप पता ही नहीं कर सकते हो कि ये रेशियो इक्वल टू वन है ग्रेटर देन वन है क्या लेस देन वन है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दिस, ये कुछ भी हो सकता है ना, या देखना आपको आर का रिलेशन पता है आर ए और आर बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन स्पीड का रिलेशन स्पीड में कौन बड़ा कौन छोटा है उसके हिसाब से इसका वैल्यू वन के बराबर भी हो सकता है, वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वी और वी में कैसा रिलेशन है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते एन एन बी के बारे में, क्योंकि रेशियो ग्रेटर देन वन लेस देन वन इक्वल टू वन कुछ भी आ सकता है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में वाटर इन ए बकेट इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, वाटर डज नॉट स्पिल इवन व्हेन द बकेट इज इन्वर्टेड इन द हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन, ठीक है, जहां पे स्पीड कितना है बकेट का वी है और रेडियस कितना है आर है, तो यहाँ पे एक रस्सी बांध के बकेट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किया जा रहा है, तो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट का डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे सपोज ये बकेट है, बकेट यहां से बंधा हुआ है और ये पानी है, ठीक है ना, ये बकेट का हैंडल है, तो भी पानी गिर नहीं रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया गया, ठीक है। स्पीड क्या है यहाँ पे पार्टिकल का, सॉरी बकेट का स्पीड कितना है वी है और रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ रहा है, बकेट बहुत छोटा होगा कंपेयर टू रेडियस, बड़ा नहीं होगा, पॉइंट मास मान लेना, मैं ड्राइंग को क्लैरिटी रखने के थोड़ा बड़ा बनाया, तो वी कंक्लूड दैट इन दिस पोजिशन, इस पोजिशन में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है, तो वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो सेंटर यहाँ पे ध्यान देना, ये सेंटर है ना, मैं यहाँ पे वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि सर्कल में चल रहा है मतलब कर्व पाथ में चल रहा है, तो सेंट्रीपेटल डायरेक्शन में तो फोर्स लगना ही चाहिए, क्या क्या फोर्स लगेगा, एम जी डाउनवर्ड और नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल नीचे साइड वाले नॉर्मल तो आप मान लो कैंसिल हो जा रहा है, खाली इससे नॉर्मल आएगा कुछ वाटर पे, ठीक है, बॉटम ऑफ द कंटेनर से नॉर्मल आएगा, तो उसको एन बोल दे रहे, तो यहाँ पे वेलोसिटी याद रखना इस तरफ है
वी। तो आप नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर देखोगे, सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्स है, नॉर्मल और एम जी। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा ये इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, आर ही है। क्लियर है ना, हमेशा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाकी यहां का नॉर्मल को नहीं लिया, यहां के नॉर्मल होंगे भी तो परपेंडिकुलर एंगल इस डायरेक्शन के। सपोज इस डायरेक्शन कुछ नॉर्मल आ गया वो तो इस डायरेक्शन में है ना, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं। वो तो वर्टिकल डायरेक्शन या सेंट्रिपेटल डायरेक्शन में तो इस नॉर्मल कोई रोल नहीं है ना, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि इस डायरेक्शन में फोर्सेस क्यों नहीं लिखे, फोर्सेस हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंट्रिपेटल डायरेक्शन में सिर्फ यहां से जो नॉर्मल आ रहा होगा वो और एम जी, खाली ये दोनों, ठीक है। तो वी कंक्लूड दैट इन दिस पोजिशन, तो अगर वाटर स्पिल नहीं हो रहा है तो वाटर नॉट स्पिलिंग मतलब नॉर्मल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तभी ना वाटर स्पिल नहीं होगा। नॉर्मल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नॉर्मल लग रहा है वाटर पे यहां से, इसका मतलब वाटर कॉन्टैक्ट में। अगर मैं आपको ये डायग्राम दू तो ये वाटर जो है वाटर पे इस सरफेस से नॉर्मल लग रहा है, इसका मतलब वाटर के इसके कॉन्टैक्ट में, अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो वाटर गिर रहा होगा, नॉर्मल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन से नॉर्मल का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, दिस माइनस एम जी, दिस ग्रेटर देन जीरो, तो वी स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन जी। अब आप देखोगे तो जी लेस देन वी स्क्वायर बाय ये है, ठीक है। लेकिन एक और ऑप्शन है, जी इज नॉट ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर। अगर जी लेस देन वी स्क्वायर बाय आर है तो कन्फर्म है कि जी ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर तो नहीं है, इक्वल टू हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल ग्रेटर देन जीरो किया है, नॉर्मल इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो जस्ट लिमिटिंग केस होगा, जस्ट वाटर गिरने वाला, लेकिन गिर नहीं रहा है अभी भी, तो अभी भी यहाँ इक्वल टू साइन दे सकते हैं। तो अगर जी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, इसका मतलब क्या है, जी इज नॉट ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि जी या तो कम रहेगा या इक्वल रहेगा वी स्क्वायर बाय आर के, तो जी इज नॉट ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, जी इज नॉट ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर। इस चीज को समझना आप, है ना, जस्ट लाइक रस्सी और बॉल के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे ऑल दो टेंशन जीरो होता है तो क्या बॉल गिर जाता है, नहीं ना, वैसे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल जीरो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे दिया है तो उसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछा है उसी इंस्टेंट में, ऑफकोर्स, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया गया उस इंस्टेंट में उसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको याद होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ए डॉट वी कैप, किसी भी वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग, तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को लिख देंगे डॉट दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या होता था, वेक्टर का टोटल वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना है तो इसी को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये रिजल्ट याद रखो, ए डॉट वी डिवाइडेड बाय वी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए डॉट वी डिवाइडेड बाय वी, ए डॉट वी अगर करें यहाँ पे तो ए का वैल्यू है माइनस आई प्लस टू जे, वी है टू आई प्लस थ्री जे प्लस रूट थ्री के डिवाइडेड बाय वी का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो ये करना होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर टू माइनस टू तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, वन आ रहा है। एक्सेलरेशन का स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी रूट फाइव, तो एक्सेलरेशन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इतना है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, वन, तो ये फोर और वन, तो ए सी क्या हो जाएगा, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर सच दैट इट्स सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम एस, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आर है रेडियस, के कॉन्स्टेंट है, पावर डिलीवर टू दिस पार्टिकल क्या होगा। अब ध्यान देना कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो करीब टेंजेंट के लॉन्ग है ना, और पावर में क्या आता था, पावर में एफ डॉट वी, ठीक है। अब अगर आप फोर्स का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वेलोसिटी देखोगे तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी मतलब मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता था, एफ डॉट वी मतलब एफ टी वी, ये होगा ना, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी, एफ टी, और एफ टी क्या होता है, एम ई टी। टेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर आप स्पीड का एक्सप्रेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है के स्क्वायर आर इनटू टी स्क्वायर, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ से वी का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी स्पीड का वैल्यू कितना हो जाएगा, के आर टी। अगर स्पीड इतना है तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज, k
कितना हो जाएगा के इंटू आर टी, तो डिफरेंशिएशन में गायब हो गया, तो के इंटू आर, तो डी यू बाई डी टी के इंटू आर पुट करो तो एम आर के वी। अब यहाँ पे आंसर में कहीं भी वी नहीं दिया हुआ है तो आपको वी को एलिमिनेट करना होगा। वी का वैल्यू कितना है के आर टी, वी का वैल्यू अगर के आर टी पुट करें तो एम आर स्क्वायर के स्क्वायर टी, एम आर स्क्वायर के स्क्वायर टी। ये आई आई टी जेई 1994 मतलब जेई एडवांस 1994 का क्वेश्चन था, तो ये बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 18 में एक आइडियल स्ट्रिंग है जिसमें तीन मासेस, तीन पॉइंट मासेस बंधे हुए हैं। एक पॉइंट मास यहाँ पे एम, यहाँ टू एम, यहाँ थ्री एम। पार्टिकल्स को सबको सर्कल में घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पर रख के, ठीक है। इस रस्सी या ये आइडियल स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन टी वन है कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी टेंशन टी टू, यहाँ पे कहीं भी टेंशन टी थ्री है, तो आपको टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री बताना है, ठीक है। याद रखना हर एक पार्टिकल एक साथ सर्कल में चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप टी वन का वैल्यू निकालना है आपको तो आप इसको सिस्टम ले लो। टी वन निकालने के लिए आप क्या करो, टी वन देखो ना इस पूरे सिस्टम, अगर इसको सिस्टम ले लेंगे तो एक ही एक्सटर्नल फोर्स है जो कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, कौन है। इस पर और भी फोर्सेस लग रहे होंगे, याद रखना स्मूथ टेबल पर रखा गया तो नॉर्मल और एम्पटी लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल क्या सेंटर की तरफ कॉम्पाउंड आएगा, नॉर्मल का नहीं आएगा। तो अगर आप एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री को सिस्टम ले लो तो इस सिस्टम पे अगर इस पूरे को सिस्टम ले लिया तो एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा, टी वन का, ठीक है। ये सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब अलग अलग पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है, इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका कितना आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन याद है कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एल वन, और दूसरा वाला पार्टिकल कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल टू, तीसरे वाले पार्टिकल का एम ओमेगा स्क्वायर एल थ्री, ये आएगा ना, टेंशन का वैल्यू इतना आ गया। सिमिलरली अगर टी टू निकालना होता, टी टू निकालने के लिए इसको सिस्टम लेते, इसको लेते हैं तो आपको पता है इसी लॉजिक से जो भी किया हम लोग टी टू निकालने के लिए, टू एम ओमेगा स्क्वायर टी तो एल टू में चल रहा है, ठीक है, और थ्री एम ओमेगा स्क्वायर एल थ्री, ये एल वन है, ये एल टू है, ये एल थ्री, एल वन एल टू एल थ्री, ठीक है, वो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपको यहाँ से पता चल जा रहा है क्योंकि हम लोग को लेंथ दिया ही नहीं गया था, यहाँ पे कहीं बोला गया कि तीनों इक्वल है, नहीं, लेंथ के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल ही नहीं सकते, आंसर क्या होना चाहिए 29। अगर लेंथ का रिलेशन पता रहता, सपोज ये और ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो पहले वाला पार्टी का सर्कल एल होगी, दूसरे का टू एल होगी, तीसरे का थ्री एल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एल टू एल थ्री एल पुट करते, यहाँ टू एल थ्री एल पुट करते, वैसे डी थ्री निकालने में क्या करते, थ्री एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एल थ्री, थ्री एल पुट करते और फिर रेशियो निकालते तो एम और एल और ओमेगा सब कैंसिल होते, तो फिर रेशियो मिल जाता कुछ। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि लेंथ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है हमें, समझ में आई बात। यहाँ भी वही की है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, वो बात अलग है कि जब इसको सिस्टम लिए थे, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। याद रखना सब एक साथ घूम रहे तो ओमेगा तो सेम होगा, इसको एक चक्कर काटने में इतना टाइम लग रहा है, इसको उतना टाइम लग रहा है ना, तो एंगल तो सेम रेट से कवर करे लोग, ओमेगा सेम होगा लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर होता है तो आर अलग अलग है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इसे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू पहला वाला मास इनटू उसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, दूसरा वाला मास इनटू उसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तीसरा वाला मास इनटू उसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर तीनों को सिस्टम लिए थे, दो को लेंगे तो दो टर्म्स आएंगे, एक को लेंगे तो एक टर्म आएगा, ठीक है, जो भी इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ टॉय कार अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल, तो एक अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है जिसका लेंथ कितना है, एल है, रिवॉल्विंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस टू एल, उसका टाइम पीरियड कितना है, टी है, तो पहले केस में 2L रेडियस में एक पार्टिकल चल रहा है, टाइम पीरियड कितना है, टी है, ठीक है, टी से टेंशन भी होता है लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड टी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नौ, अब क्या किया गया, कार का स्पीड बढ़ाया गया और उसका रेडियस बढ़ के क्या हो गया, 3L, टी स्पीड बढ़ा होगा तो पता है रेडियस बढ़ा होगा, सेकेंड केस में 3L हो गया, ठीक है, और अभी जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया, टी डैश हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बोला गया कि हुक्स लॉ को मान लो ट्रू है, हुक्स लॉ भाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इनटू एक्स, तो स्प्रिंग का और स्प्रिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल है ये मानने के बाद टाइम पीरियड का रेशियो बताना है, ठीक है। फर्स्ट केस में कार याद रखना 12 लेंथ के सर्कल में या 12 रेडियस के सर्कल में चल रहा था, सेकंड केस में 3L रेडियस के सर्कल चल रहा है, पहले केस में टाइम पीरियड टी है, दूसरे केस में टी डैश है, तो टी और टी डैश का रेशियो बताना है। तो अगर आप देखोगे, ध्यान देना कि इस केस में भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे है, तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स आ सकता है, टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स जो है उसको स्प्रिंग फोर्स को एफ एस से नोट करें, क्योंकि टी है। तो अगर फर्स्ट केस में नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिखे तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपेटल कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, में ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहा हूँ, आर कितना है फर्स्ट केस में, 2L है। सेकंड केस में लिखेंगे तो एफ एस डैश आ जाएगा,
फर्स्ट केस का ओमेगा को मैं ओमेगा 1 बोल रहा हूँ, सेकंड केस का ओमेगा को ओमेगा 2 बोल रहा हूँ सपोज, या ओमेगा और ओमेगा डैश भी बोल सकते हैं, और सेकंड केस का रेडियस कितना है 3 है। अगर इनका रेशियो ले तो एमएम कैंसिल एलएल कैंसिल, तो आप देख सकते हो 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ओमेगा डैश स्क्वायर, है ना। नॉर्मल और डैश यूज कर ले रहे क्योंकि यहाँ वही यूज किया गया है, तो एफ एस बाय एफ एस डैश, ठीक है। हाँ, अब स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखेंगे, आपको पता है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इनटू डिफॉर्मेशन। तो फर्स्ट केस में जो स्प्रिंग फोर्स है के टाइम्स डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कितना होगा स्प्रिंग में, याद रखना स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना दिया होता, एल दिया होता, और फर्स्ट केस में कार के चलने के कारण स्प्रिंग अपना लेंथ से बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया 12 बड़ा हो गया, तो ओवरऑल कितना लेंथ में चेंज आया, नेचुरल लेंथ एल है, और अभी 12 लेंथ है स्प्रिंग का, तो कितना चेंज आया, एल का चेंज आया, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा के टाइम्स डिफॉर्मेशन। सेकंड केस में स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, के टाइम्स डिफॉर्मेशन। सेकंड केस में डिफॉर्मेशन कितना है, 3L और L के बीच का डिफरेंस कितना है, ये तो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से कितना बड़ा हो गया 12 बड़ा हो गया, तो एफ एस डैश क्या हो जाएगा के इंटू 12, तो एफ एस है के एल, एफ एस डैश है के इंटू 12, इनका रेशियो लेंगे तो 1/2, ये रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये के एल ये के इंटू 12, ठीक है। आपको ये पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ ओमेगा, तो अगर टाइम पीरियड का रेशियो ले हम लोग टी बाय टी डैश ले, तो 2π/ ओमेगा, 2π/ओमेगा डैश, तो कितना आ जाएगा ओमेगा डैश बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड का रेशियो मतलब ओमेगा डैश बाय ओमेगा, आपको टी डैश बाय टी पूछा गया है, ठीक है, तो टी डैश बाय टी के लिए ओमेगा बाय ओमेगा डैश, तो ओमेगा बाय ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है 3/2, तो ओमेगा बाय ओमेगा डैश 3/2, वही टी डैश बाय टी ओमेगा बाय ओमेगा डैश व्हिच इज 3/2, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में एक स्मूथ स्फीयर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ब्लॉक रखा गया है, उसको स्पीड दे दिया गया हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी दे दी हॉरिजॉन्टली कितना यू, एंगल थीटा, किसी भी पोजीशन का बात हो रहा है, आपको बोल दिया गया कि स्मॉल ब्लॉक जो है इस स्फीयर को कहाँ पे लीव कर रहा है, सी पॉइंट पे, ये जल्दी 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 यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक करके अलग हो गया, ठीक है, तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू बताना है ना, यानी कितने एंगल पे कॉन्टैक्ट छोड़ दिया अल्टीमेटली वो बताना है। पार्टिकल पे दो ही फोर्स है, एक नॉर्मल डाउनवर्ड अप इस पे ये, और mg, इस पार्टिकल पे एक नॉर्मल लगा सकता है स्फीयर लगा, और mg फ्रिक्शन लग सकता है कि नहीं, क्योंकि स्फीयर क्या था स्मूथ था, फ्रिक्शन लग नहीं सकता, ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, तो आप देख सकते हो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो सेंटर की तरफ mg cos थीटा, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा, और सेंटर से अवे है n, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर में mg cos थीटा माइनस n, ये सेंटर की तरफ ही अवे है, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, यहां पे स्पीड मान लो इसका कितना है v है, ठीक है। अब अगर क्योंकि यहां इस पॉइंट पे कांटेक्ट ब्रेक किया है वो, तो जस्ट कॉन्टैक्ट ब्रेक किया है, तो अभी यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक किया तो नॉर्मल क्या है जीरो, आपको यही ना बोला गया कि पॉइंट सी पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और जस्ट पॉइंट सी पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ तो अभी भी मान सकते हो कि उसका रेडियस कर्वेचर कितना है आर है, तो ऑल्दो यहाँ पे जस्ट ऊपर उठा हो गए, लेकिन अभी भी मान सकते हो उसका रेडियस कर्वेचर आर है, लेकिन जस्ट ऊपर उठ चुका है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये रिलेशन आया अपने पास। अब हम लोग को आंसर आप देखोगे तो यू के टर्म्स में, यहाँ यू नहीं दिखा तो यहाँ यू लाना पड़ेगा, सबसे पहली बात नॉर्मल तो जीरो करो, फिर एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, मास पे कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर आपको याद हो यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, वी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे स्पीड भी है, वी स्क्वायर क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट अगर देखो आप यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट तो यही है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हो ये हाइट के वैल्यू अगर लिखना है तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, ये कितना हो गया आर है, ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो एच के वैल्यू क्या हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है सिंपली, तो एच का वैल्यू आर माइनस आर कॉस थीटा यहाँ पे यूज करें, आर माइनस आर कॉस थीटा मतलब आर ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से आप देख सकते हो जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी आर कॉस थीटा माइनस साइन के साथ प्लस टू जी आर, तो ये थ्री जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी आर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी आर डिवाइड बाई थ्री जी आर, यू स्क्वायर प्लस टू जी आर डिवाइड बाई थ्री जी आर, ठीक है, तो ये आंसर है। आर का बदली मतलब यहाँ एल का बदली मैंने आर लिखा है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में अ स्पॉटलाइट एस रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड, तो एक टॉर्च है मान लो स्पॉटलाइट है, वो लाइट घूम रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइट घूम रहा है, तो यहाँ पे लाइट अगर घूम रहा है, लाइट का सोर्स घूम रहा है, तो लाइट भी घूम रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक वॉल है, वॉल है तो यहाँ से लाइट वॉल पे पड़ रहा होगा, तो लाइट का सोर्स अगर घूमेगा तो ये जो स्पॉट है जो वॉल पे बन रहा है, जो आपको ब्राइटनेस दिख रहा है वॉल पे, वो भी घूमते जाएगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे गिरेगा, ऐसे होगा तो यहाँ पे गिरेगा, ऐसे होगा तो यहाँ पे गिरेगा, तो आपको ये लेंथ बोल दिया है 3 meters है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पी जब एंगल 45 है, तो जब ये एंगल 45 डिग्री है उस समय ये लेंथ बोल दिया 3 meters है, उस समय जो यहाँ स्पॉट दिख रहा है आपको ये स्पॉट का वेलोसिटी कितना होगा, समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग दो अलग अलग पोजिशन ड्रॉ करेंगे स्पॉट का, है ना,
एक स्पॉट यहाँ पे है, या यहाँ पे सपोज नया एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ पे स्पॉट है पहले, और फिर कुछ देर के बाद स्पॉट यहाँ पे आ गया, तो हो सकता है ना ये घूम जाएगा तो स्पॉट यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत हल्का सा घुमा है, मैंने आपको क्लैरिटी के लिए थोड़ा ज्यादा ड्रॉ किया है, बहुत ही छोटा एंगल घुमा है, कितना डी थीटा। याद रखना ये घूम रहा था ओमेगा से, तो डी थीटा जो घुमा होगा वो कितना होगा, ओमेगा इंटू डी टी, एंगुलर स्पीड इंटू टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डी थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये चीज, अगर ये वॉल नहीं होता तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचता ना, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये चीज जो चल रहा है ये होना चाहिए, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होना चाहिए, ये अगर एल है, ये डी थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल डी थीटा। ठीक है, इसको एरो को थोड़ा छोटा बनाओ, यहां तक बनाओ, समझ में आ रही बात, ये कितना हो जाएगा लेंथ, एल इंटू डी थीटा, आपको पता है रेडियस इंटू एंगल करने से आर्क लेंथ आता है। ठीक है, आर्क लेंथ को ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लो क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा है, अगर एंगल बहुत ही छोटा आप देखते हो तब इस पार्ट को स्ट्रेट मान सकते हो, वही चीज मैं यहाँ पे किया। ठीक है, या देखना ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, अब डी टी जितने टाइम पे स्पॉट यहाँ से यहाँ जाता, या अगर वॉल नहीं होता तो ये लाइट यहाँ से यहाँ पहुंचता, उतने टाइम में ही एक्चुअली में जो वॉल पे स्पॉट बन रहा है वो यहाँ से यहाँ गया है ना, अगर यहाँ पे इसका स्पीड वी है तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होना चाहिए वी डी टी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, 45 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। ठीक है, ये एंगल 45 होगा और ये तो 90 है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से आपको पता है कि ये एंगल, ये लेंथ कितना है वी डी टी, ये लेंथ का कॉस 45 आपको क्या देगा, एल डी थीटा। समझ में आई बात, दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, सिंपल। तो अब यहां से अगर डी टी से डिवाइड कर दोनों तरफ तो वी कॉस 45 इज इक्वल टू एल डी थीटा बाय डी टी यानी ओमेगा इंटू एल, आपको वी निकालना था, वी का एल कितना जाएगा, ओमेगा एल बाय कॉस 45, कॉस 45 वन बाय रूट टू, रूट टू ओमेगा है। ठीक है, थ्री नहीं है ये, थ्री नहीं है, थ्री क्या है, ये थ्री, ये थ्री नहीं है, ये थ्री है। ठीक है, इसको मैं एल ही बोल रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये एल का वैल्यू, एल साइन 45 थ्री हो जाएगा, एल साइन 45 थ्री है, साइन 45 वन बाय रूट टू, तो एल का वैल्यू कितना है, थ्री रूट टू, एल का वैल्यू क्या है, थ्री रूट टू, तो यहाँ पे रूट टू सही है, 0.1 सही है, लास्ट में जो एल है वो है थ्री रूट टू, तो रूट टू 6 ही हो जाएगा, 0.6 आंसर हो जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज स्लोइंग डाउन, तो एक बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा गया है, तो याद रखना बॉडी तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है, अंदर की तरफ है ना, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, या आर क्रॉस बी से, आर वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर कहीं मान लो आप, तो आर क्रॉस वी अगर आप देखोगे तो आर क्रॉस वी किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। अल्फा क्या होता था, अल्फा का डायरेक्शन पूछा कि आपको बोला क्या गया है, पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है, अगर स्लो डाउन हो रहा है मतलब एंगुलर स्पीड घट रही है, और एंगुलर स्पीड घट रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ होगा, तो आपका दिस बाय मतलब दिस फॉलोड बाय दिस आना चाहिए, तो क्रॉस वी डॉट, क्रॉस वी डॉट। ठीक है, देखो क्रॉस और डॉट का मतलब यहाँ बता दिया गया है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ट, जो 11th वाले बच्चे इसको देख रहे हैं उनको क्रॉस और डॉट का मतलब नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे बता दिया, 12th वाले बच्चों को तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व पाथ, द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, तो जब भी मे लिखा रहेगा मतलब आप एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सपोर्ट में बता दो, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल बता दिए तो मे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, मे मतलब एटलीस्ट एक एग्जाम्पल खोज लो जहां पे वो हो रहा होगा, तो पार्टिकल कर्व पाथ में चल रहा है, तो किसी कर्व पाथ में कोई पार्टिकल चल रहा है, कैसा भी कर्व पाथ हो सकता है, तो क्या क्या कॉन्स्टेंट हो सकता है, स्पीड कॉन्स्टेंट हो सकता है, हाँ आप कॉन्स्टेंट स्पीड से कर्व पाथ में चल ही सकते हो, तो ये कॉन्स्टेंट रह सकता है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रह सकता है, नहीं वेलोसिटी में दो चीज आती है ना, स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड तो कॉन्स्टेंट रह सकता है लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हाँ डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक्सेलेरेशन भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक एग्जाम्पल सोचना है मेरे को, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के केस में पाथ कर्व्ड है, हाँ कर्व्ड है, और एक्सेलेरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, जी डाउनवर्ड हमेशा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन भी कॉन्स्टेंट रह सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, अगर एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट रह सकता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट रह सकता है, तो ये तीनों चीज कॉन्स्टेंट रह सकती है। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ जेईई मेन के क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट कैसे हो गया, इसको तो किसी भी तरीके में फ्रेम किया सकता है ना, हम लोग सीख गए कि ये तीनों चीज कॉन्स्टेंट रह सकती है मे। ठीक है, अ कार मूविंग ऑन ए रफ बैंक रोड विच इज बैंक फॉर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा फ्रेज है विच इज बैंक फॉर स्पीड, मतलब यानी इस स्पीड से कार चलेगा तो कार को फ्रिक्शन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, बैंक फॉर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर मतलब अगर इस स्पीड से कार चलेगा उस बैंक रोड में तो उसको फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेट वी बी द कार स्पीड एंड एफ बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट, तो कार पे स्पीड को वी से नोट किया जा रहा है और कार पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू एफ से नोट किया जा रहा है।
ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन सब में से? तो अगर स्पीड ऑफ कार 50 किलोमीटर पर आवर होगा तो फ्रिक्शन जीरो होगा। अब याद रखना इसी स्पीड के लिए तो बैंक्ड हुआ है रोड, जिस स्पीड के लिए बैंक्ड होता है उस स्पीड पे चलने पे कार के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर स्पीड 50 होगा तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट पता करना था ऑप्शन बी, बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर स्पीड ग्रेटर देन 50 होगा तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, लेस देन 50 होगा तो फ्रिक्शन जीरो होगा, ये भी सही है। करेक्ट स्पीड में चलने से फ्रिक्शन नहीं लगता है, बाकी दोनों केस में चाहे करेक्ट स्पीड से कम हो स्पीड या करेक्ट स्पीड ज्यादा हो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था। इनकरेक्ट क्या है,